नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया फाउंटेन पेन लेकर। और आज फिर हम बात करने वाले हैं, ये देखिए, पार्कर फाउंटेन पेन की। और आज हम लेकर के आए हैं पार्कर अर्बन फाउंटेन पेन। तो ये देखिए, ये है फाउंटेन पेन और बॉक्स वो सिमिलर बॉक्स रहता है जो पार्कर का हमेशा ही आपको मिल जाता है, शानदार सा बॉक्स। और इसके अंदर है ये पार्कर अर्बन फाउंटेन पेन। तो यहाँ देखिए, इसके साथ एक फाउंटेन पेन है और एक लॉन्ग पार्कर कैटरेज, पार्कर स्टाइल कैटरेज। बॉक्स को अलग रख देते हैं हम। तो मेरे हाथ में है कैटरेज, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम कैटरेज के बारे में। लॉन्ग साइज की कैटरेज रहती है पार्कर की अपनी ही। और अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट जो कि हमारा है फाउंटेन पेन। तो ये देखिए, ये है दोस्तों हमारा फाउंटेन पेन पार्कर अर्बन प्रीमियम डिलक्स डार्क ब्लू। तो कई कलर्स में आपको ये फाउंटेन पेन मिल जाता है। 2017 में ये फाउंटेन पेन रिलीज़ किया था पार्कर ने, और एक मॉडर्न स्टाइल, स्टाइलिश, क्लासिक सभी का कॉम्बिनेशन इस फाउंटेन पेन में आपको मिल जाता है। ये कई सारे कलर में मिलेगा आपको, जैसे कि ये डार्क ब्लू है, इसी तरह से ग्रीन, मैट ब्लैक, शाइनी ब्लैक, और फिर एक पैटर्न के साथ भी आपको मिलता है ऑरेंज, और इसी तरह के एक दो कलर और हैं जिसमें ये फाउंटेन पेन आपको मिल जाता है। बीच में मार्केट से फाउंटेन पेन ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे, आजकल एक दो सेलर हैं जो इसको अमेजोन पे आपको मिल सकता है, या मेरे पास यहाँ लोकल में भी एक शॉप है जिसके पास ये पेन मिल जाता है। MRP देखें, यहाँ पे MRP है 2900 रुपीज़। क्रोम ट्रिम और गोल्डन ट्रिम दोनों में आपको मिल जाएगा। फिनियल देखिए इसके, इसमें क्रोम ट्रिम में आपको ये फिनियल्स इसके मिल जाते हैं, और मीडियम साइज निब है इसका। जो बैरल है इसका और कैप मटेरियल है, कैप में से सबसे पहले हम ये टैग निकाल देते हैं। ये कैप है, कैप मटेरियल ब्रास का है, ब्रास का बना हुआ फाउंटेन पेन है। और इसके अंदर एक फिटिंग लगी हुई है जो कि मोस्टली फाउंटेन पेन्स में रहती है, जिससे कि आपका जो सेक्शन है वो इजीली इसके अंदर जा करके एक बेहतरीन सा स्नैप ऑन दे। तो स्नैप ऑन कैप आपको इसके अंदर मिल जाती है। पीछे की तरफ देखिए, ये यहाँ पे इस तरह का इसका एंड फिटिंग है, और ये क्लिप, सिग्नेचर क्लिप मिल जाती है आपको यहाँ पे पार्कर की। और ये रिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर कई जगह पार्कर लिखा रहता है। मोस्टली पार्कर के पीछे की तरफ जो कंट्री जिसमें मैन्युफैक्चर होता है उसका एनग्रेविंग रहता है यहाँ पे, लेकिन इस फाउंटेन पेन में वो एनग्रेविंग नहीं है, ओनली पार्कर इसके ऊपर एनग्रेव्ड है। पीछे की तरफ से पतला, बीच में से मोटा, और कैप तो जनरल तरीके की जो कैप है उसी तरह की है। तो एकदम मॉडर्न सा इसका लुक आपको मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं हम बैरल की। बैरल ब्रास का बना हुआ है, ये देखिए, ये बैरल है जो कि ब्रास का बना हुआ, बहुत ही शानदार इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, लैकर्ड कोटिंग होती है बेसिकली इसके अंदर, ब्लैक कलर में कई कलर्स में कोटिंग आपको मिल जाएगी। और अंदर की तरफ यहाँ पे जो थ्रेड है वो एक प्लास्टिक की फिटिंग है, क्योंकि ब्रास के ऊपर वो फिटिंग आपको फिट करनी पड़ेगी ताकि थ्रेडिंग आपके सेक्शन में फिट हो सके। पीछे की तरफ देखिए, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है, एक एंड में स्टेनलेस स्टील की क्रोम कोटेड फिटिंग मिल जाती है, और देखने में एक सुंदर सा बैरल आपको ये दिखाई पड़ता है। पूरे फाउंटेन पेन का वेट तकरीबन 27-28 ग्राम है, और विदाउट कैप इसका 17.3 ग्राम वेट है। 136 mm के लगभग इसकी पूरी लेंथ मिल जाती है, और हाथ के अंदर अच्छे से फिट ये फाउंटेन पेन होता है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन की। सेक्शन जो है, सेक्शन भी इसके अंदर ब्रास का ही सेक्शन है, उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की फिटिंग होती है। ये फिटिंग्स यहाँ पे देखिए, क्रोम कोटेड फिटिंग है। आगे की तरफ ये एक रिंग लगाया गया है सेक्शन में, और सेक्शन शायद 9.5 mm का होगा, और हाथ में एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। निब आप देखिए यहाँ पे, ये निब है जिसके ऊपर एक क्रॉस हैच पैटर्न दिया गया है, देखने में अच्छा लग रहा है, पार्कर की एनग्रेविंग है। पीछे की तरफ फीड, और जैसा कि पार्कर में होता है जो निब का साइज होता है वो फीड के ऊपर एनग्रेव होता है, यहाँ पे मीडियम साइज आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और ये पूरा का पूरा इस तरह का
निब आपको एक बहुत ही शानदार निब आपको मिल जाता है। कोटिंग बहुत ही अच्छी है, एकदम चमकदार कोटिंग आपको पार्कर की तरफ से मिल जाता है। 2900 रुपये में फाउंटेन पेन पड़ता है। और इसके अंदर ये देखिए, ये सिंपल जो पार्कर की इंडिया के अंदर मोस्टली कार्टिज आती हैं, कन्वर्टर्स आते हैं, उसी तरह का कन्वर्टर ये भी आपको मिल जाता है। आई थिंक पार्कर जो IM है उसके अंदर, या पार्कर सोनेट के अंदर आई थिंक आपको बैटर वाला कन्वर्टर इसमें मिलेगा। उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हम इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। अंदर की तरफ फिटिंग पार्कर की स्टैंडर्ड फिटिंग, और हम इसको फिट कर लेते हैं। तो ये था ओवरऑल पार्कर का फाउंटेन पेन, जिसके बारे में मैंने बताया। ट्रिम्स आपको गोल्ड और क्रोम कोटिंग मिल जाएंगी, कलर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। और अब हम जो मेन चीज़ है वो इसकी चेक करेंगे। पहले इसके अंदर हम इंक भरेंगे और फिर चला करके देखेंगे कि आपको ये फाउंटेन पेन चलने में कैसा फील देने वाला है। इंक ले लेते हैं पार्कर की क्विंक इंक, निकालिए बोतल और फिर उसके बाद ढक्कन खोल दीजिए फटाक से, निकालिए और तो दोस्तों फाउंटेन पेन रेडी हो गया है, बुक रेडी हो गई है, इंक हमने भर ली है। एक चीज ये देखें, यहाँ पे इंक पकड़ रहा है सेक्शन, तो पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह से इंक पकड़ रहा है कोई सेक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाउंटेन पेन स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ फाउंटेन पेन है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। और आप अगर इसको रखना चाहेंगे तो इसको लामी सफारी की कैटेगरी में या फिर इस भी इको की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। आप इसके ऊपर कैप पोस्ट करके इसको नहीं चला सकते हैं। अगर आप कैप पोस्ट करके चलाने के आदित हैं तो नो, इट इज़ ए बिग नो फॉर दैट। कैप फिक्स करो तो देखिए कितना स्पेस बचता है और वॉबलिंग होता रहेगा, और आपको विदाउट कैप ही इसको होल्ड करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से विदाउट कैप भी एक काफ़ी मतलब बैलेंस फाउंटेन पेन हो जाता है। लामी से थोड़ा सा नीचे ही रखूँगा मैं इसको, और ट्विस्बी इको से भी नीचे ही रखूँगा, लेकिन ओवरऑल फाउंटेन पेन देखने में बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है। वैसे इसमें कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल केवल चॉइस की बात है। आप इसको फाउंटेन पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बहुत खास बड़ी प्रॉब्लम आपको इसमें मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर 2900 रुपये इसकी MRP है, अगर 2000 की रेंज में आपको मिल जाता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाई ये फाउंटेन पेन रह सकता है। 2000 की रेंज में आप इसको खरीद के यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को। हम इसी तरह से नए नए फाउंटेन पेन लेकर के आते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।